सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपका भाई सिखाने वाला है आप लोगों को कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो एडिटिंग। देन ओके गाइस, तो गाइस अगर आप लोगों को भी कुछ इस टाइप का एडिटिंग सीखना है तो देन गाइस वीडियो को फॉलो करना। तो देन गाइस आज का जो हमारा वीडियो है देन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फेस स्मूथ करने के लिए हम लोग अपना ईयर ब्रश का यूज करेंगे। देन ओके गाइस, तो ईयर ब्रश ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेना है। देन ओके गाइस, लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेने के बाद देन आप लोग जो भी अपना मॉडल का फेस स्मूथ करना चाहते हो उस वाले पिक को आप लोगों को यहाँ पे ऐड कर लेना है। सो फाइनली गाइस, यहाँ देख सकते हो जो हमारा पिक है देन उसको हमने अपने एयरब्रश पे ओपन कर लेने हैं। तो यहाँ गाइस आप लोगों को सबसे पहले यहाँ कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को ऑटो तरीका से यहाँ थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, उसके लिए आप लोगों को यहाँ मैजिक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ ऑटो तरीका से आप लोगों का नॉर्मल तरीका से थोड़ा बहुत फेस स्मूथ हो जाएगा। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, बिफोर इन आफ्टर यहाँ देख सकते हो। देन ओके गाइस, उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से इसको कर लेना है राइट पे क्लिक। देन थोड़ा सा स्वाइप करना है, स्वाइप कर लेने के बाद यहाँ आप लोगों को शो होगा स्मूथ वाला ऑप्शन, देन उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन शो होगा हैवी का, देन उस पर क्लिक कर लेना है। देन ओके गाइस, अब मॉडल को करना है जूम और यहाँ आप लोगों को ब्रश को चलाना है कुछ इस टाइप से। ऑटोमेटिक ही आप लोगों का फेस एकदम ऑसम तरीके से स्मूथ हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो कितना ऑसम तरीके से जो हमारा मॉडल का फेस है वो स्मूथ हो रहा है। सो गाइस, इसी तरह से आप लोग भी एयर ब्रश के मदद से एकदम ऑसम तरीके से प्रोफेशनल लुक के साथ अपना जो फेस है उसको स्मूथ कर सकते हो। इससे आप लोग गाइस फेस को स्मूथ करोगे तो देन आप लोगों का जो ब्रश का निशान है वो भी नहीं आएगा। तो आफ्टर ऑल आप लोग भी कुछ इस टाइप से जो अपना मॉडल है उसका फेस को स्मूथ कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास एयर ब्रश नहीं है तो देन गाइस इसके लिए आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे पेंजियन ऐप्स मिल जाएंगे, जो जो मैं यूज़ करता हूँ सारे चीज़ मेरे टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, अगर आप लोगों का टेलीग्राम मेरा ओपन नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम पे अपना जाना, सर्च करना एडिट बॉय करण, आप लोगों को टॉप पे शो हो जाएगा। देन ओके गाइस, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ आप लोगों को सारे चीज़ बैकग्राउंड पीएनजी ऐप्स जो जो मैं सारे चीज़ यूज़ करता हूँ सब आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देन ओके गाइस, तो आफ्टर ऑल यहाँ देख सकते हो जो हमारा फेस है कितना ऑसम तरीका से आफ्टर ऑल स्मूथ हो गया है। तो देन गाइस, यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगा। सो फाइनली गाइस, यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल का फेस है स्मूथ हो चुका है। देन उसके बाद ऑटो तरीका से जो हमारा फेस है और बॉडी है मॉडल का उसको हम लोग ब्राइट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, उसके लिए आप लोगों को यहाँ स्किन टोन हो रहा होगा, देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ आप लोगों को ऑटो वाला ऑप्शन शो होगा, देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस, यहाँ आप लोगों को साइड पे शो हो रहा होगा, देख सकते हो बहुत सारा कलर। यहाँ से आप लोगों को कोई भी अपना एक कलर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम लोग ये वाला सेलेक्ट कर लिए हैं। देन ओके गाइस, उसके बाद यहाँ आप लोगों को ये वाला ओपेसिटी शो हो रहा होगा, इसको आप लोगों को अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके आप लोग जितना फेस को ब्राइट रखना चाहते हो उस हिसाब से आप लोगों को कर लेना है। तो देन गाइस, हम लोग इसको यहाँ से रखेंगे लगभग 66%। देन उसके बाद यहाँ से कर लेंगे हम लोग इसको राइट। देन ओके गाइस, राइट कर लेने के बाद देन क्या करना है, जो हमारा मॉडल का लिप्स है वो ख़राब लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिप्स ऐड करेंगे। देन ओके गाइस, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ शो हो रहा होगा, देख सकते हो नीचे पे मेकअप, देन उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा स्वाइप कर लेना है। स्वाइप कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन शो होगा लिप्स का, देन उस पर क्लिक करके यहाँ बहुत सारा आप लोगों को लिप्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप लोग अपने हिसाब से लिप्स सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से ओपेसिटी को कम कर लेना है, ठीक है। आप लोग जितना ज़रा रखना चाहते हो उतना रख लेना। देन ओके गाइस, उसके बाद यहाँ से आप लोगों को कर लेना है राइट पे क्लिक। देन ओके ओके गाइस, उसके बाद इस फोटो को हम लोगों को यहाँ से कर लेना है सेव। देन इसको लेके जाना है अब हम लोगों को अपना लाइट रूम के अंदर। सो गाइस, यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है देन उसको हमने अपना लाइट रूम के अंदर ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद देन गाइस, यहाँ आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। देन आप लोगों को यहाँ ये वाला प्रीसेट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन उसको आप लोगों को यूज़ करना है। यूज़ करना आता ही होगा, नहीं आता है तो देन यहाँ आप लोगों को जाना है 3 डॉट पे। देन यहाँ से आप लोगों को शो हो रहा होगा, देख सकते हो कॉपी सेटिंग, देन उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ से आप लोगों को राइट पे क्लिक कर लेना है। देन आ जाना है बैक, जो अपना मॉडल है उसको करना है ओपन। ओपन कर लेने के बाद देन जाना है 3 डॉट पे। देन ओके गाइस, उसके बाद यहाँ आप लोगों को पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करके प्रीसेट को अप्लाई कर लेना है। आफ्टर ऑल यहाँ देख सकते हो, उसके बाद जो आप लोगों का पिक है कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देन ओके गाइस, उसके बाद क्या करना है हमें और कुछ भी नहीं करना है। इस फोटो को अपना यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे जाके कर लेना है सेव। इस फोटो को लेके जाना है हम लोगों को अपना फोटो रूम के अंदर।
फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा फोटो रूम है देन उसको हमने ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को डाटा को ऑन करके ही अपना जो फोटो रूम है उसको ओपन करना है, ठीक है। तो फोटो रूम ओपन कर लेने के बाद देन गाइस आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे देन क्लिक कर लेना है। देन ओके गाइस उसके बाद जो हमने अभी लाइट रूम से अपना जो फोटो को सेव किया था उस वाले पिक को हमें यहाँ ऐड कर लेना है। आफ्टर ऑल देख सकते हो उसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड हो वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। इरेज हो जाने के बाद देन क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना जो बैकग्राउंड उसको ब्लर करेंगे। तो यहाँ आप लोगों को सो रहा होगा देख सकते हो एक ऑप्शन ब्लर का, देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को नीचे पे एक ऑप्शन शो होगा बैकग्राउंड का, देन उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड आने के बाद देन गाइस ये वाला आप लोगों को ऑप्शन शो हो जाएगा, देन इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ आप लोगों को शो हो रहा होगा देख सकते हो ब्लर का स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको आप लोगों को अपने हिसाब से आप लोग जितना ब्लर को रखना चाहते हो उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ बढ़ा लेना है। तो देन गाइस यहाँ हम लोग 25% रखेंगे। देन उसके बाद यहाँ हमें और कुछ भी नहीं करना है, इस फोटो को हम लोग को यहाँ अपना ये वाला ऑप्शन है देन उस पर क्लिक करके कर लेना है सेव। इस पिक को लेके जाना है हम लोगों को अब अपना पिक्सार्ट के अंदर। सो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है जो अभी हमने फोटो रूम से अपना जो बैकग्राउंड को ब्लर किया है उसको हमने अपना पिक्सार्ट पे ऐड कर लिया है। देन ओके गाइस, तो ऐड कर लेने के बाद देन गाइस सबसे पहले आप लोगों को इसका रिसाइज कर लेना है। रिसाइज नहीं करोगे तो देन आप लोगों की जो फोटो की क्वालिटी है वो लॉस हो जाएगा। तो रिसाइज करने के लिए आप लोगों को जाना होगा टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन शो होगा रिसाइज का, ठीक है। उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है और यहाँ आप लोगों का जो अमाउंट शो हो रहा होगा उसको कट करके यहाँ आप लोगों को टाइप कर लेना है 6000, देन रिसाइज पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो आप लोगों को फोटो की रियल क्वालिटी की अमाउंट है वहाँ शो हो जाएगी, उसको टाइप करके आप लोगों को रिसाइज पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, जो हमारा हेयर है देन गाइस इसको हम लोगों को बड़ा करना है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ फिर से जाना होगा टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद देन यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन शो होगा यहाँ देख सकते हो ये वाला, ठीक है। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन मॉडल को जूम करना है, ठीक है गाइस। जूम कर लेने के बाद यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप से आप लोगों को कर लेना है, जिधर जिधर आप लोग अपना जो हेयर को बड़ा करना चाहते हो कुछ इस टाइप से। यहाँ देख सकते हो कितना औसम तरीका से जो हमारा हेयर है वो बड़ा हो जा रहा है। आफ्टर ऑल कुछ इस टाइप से यहाँ देख सकते हो एकदम औसम तरीका से। उसके बाद जो हमारा पीक है वो लगने लगेगा, तो हम लोग अच्छे से इसको कर लेते हैं। आफ्टर ऑल कुछ इस टाइप से यहाँ देख सकते हो गया गाइस। देन उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से इसको राइट कर लेना है, ठीक है। राइट कर लेने के बाद देन उसके बाद जाना है हम लोगों को अपना ऐड फोटो पे। यहाँ हम लोग कुछ पीएनजी ऐड करेंगे, यहाँ हम लोग अपना ऐड फोटो पे जाके पीएनजी को कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो हमारा तोते का पीएनजी है, देन इसको हम लोगों को कुछ हिसाब से ऐड कर लेना है। इसको ऐसे हम लोग एडजस्ट करके ऐड करेंगे गाइस कि कोई ऐसा लगना चाहिए कि जो हमारा या तोता का पीएनजी है वो जस्ट हैंड पे आके बैठने वाला है जैसा लगे। यहाँ देख सकते हो कुछ इस टाइप से, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, फिर से जाना होगा अपना ऐड फोटो पे। देन उसके बाद हम लोग अपना एक डॉग का पीएनजी है देन गाइस उसको करेंगे ऐड। तो डॉग के पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद देन गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप से सेम पोजीशन पे बिठा लेना है, ठीक है। बिठा लेने के बाद देन क्या करना है आप लोगों को, यहाँ देख सकते हो एक ऑप्शन शो हो रहा होगा ओपेसिटी का, ठीक है। इसको आप लोगों को डिक्रीज कर लेना है, इसको आप लोगों को ज़्यादा डिक्रीज नहीं करना है। आप लोग जितना में इरेज कर सकते हो उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ ओपेसिटी को डिक्रीज करना है। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को आ जाना है इरेजर वाले ऑप्शन पर, ठीक है। ऊपर पे देख सकते हो देन इरेजर पे आ जाने के बाद देन गाइस अब क्या करेंगे, जो हमारा डॉग का ये वाला पैर है उसको हम लोग कुछ इस टाइप से इरेज करेंगे। तो आफ्टर ऑल गाइस यहाँ देख सकते हो कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है। देन ओके गाइस, तो यहाँ हम लोगों का थोड़ा सा यहाँ बच गया है, तो देन उसको भी हम लोग यहाँ से अच्छे से इरेज कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे राइट पे क्लिक, देन ओपेसिटी को कर लेंगे फुल। आफ्टर ऑल देख सकते हो गाइस उसके बाद जो हमारा यहाँ डॉग का पीएनजी है वो कितना औसम तरीके से परफेक्ट रूप से यहाँ अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ बिठा लिया है, ठीक है। बिठा लेने के बाद देन क्या करना है, अब फिर से जाना है हम लोगों को अपना ऐड फोटो पे। जो हमारा एक लाइट का पीएनजी है देन गाइस उसको करेंगे ऐड। सो गाइस पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा स्वाइप कर लेना है। स्वाइप कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन होगा ब्लाइंड का, देन उस पर क्लिक करके इसको कर लेना है स्क्रीन। और जो हमारे यहाँ बाइक का यहाँ हेडलाइट है उस पर कुछ इस टाइप से हम लोगों को अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। आफ्टर ऑल उसके बाद देख सकते हो जो हमारा पिक है कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देन उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, जो हमारा लाइट का पीएनजी है देन उसका हम लोग डुप्लीकेट बनाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ ऊपर पे वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, देन उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को
गाइस यहाँ डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, देन उस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ साइड पे आप लोगों को कुछ ही टाइप से एडजस्ट करके लगा लेना है। तब तो गाइस उसके बाद जो हमारा पिक है देख सकते हो कितना औसम तरीका से लग रहा है। देन ओके गाइस उसके बाद देन फिर से जाना है हम लोगों का अपना ऐड फोटो पे, जो हमारा एक और पिन है देन गाइस उसको करेंगे ऐड। तो इसको ऐड कर लेने के बाद देन गाइस अब हम लोग इसको साइज को कुछ इस टाइप से फुल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ बोके इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन होगा ब्लाइंड का, देन उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। स्क्रीन कर लेने के बाद देन यहाँ से आप लोगों को इरेजर पे आ जाना है, ठीक है। और जो हमारा फेस के साइड आ गया है और उन सबको हम लोगों को कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है, आफ्टर ऑल कुछ इस टाइप से। सो फाइनली हो चुका गाइस। देन उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से कर लेना है राइट पे क्लिक। राइट पे क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को शो हो रहा होगा ओपेसिटी, देन इसको आप लोगों को डिक्रीज करना है अपने हिसाब से। तो देन हम लोग इसको रखेंगे लगभग 10%। देन उसके बाद क्या करना है गाइस, इसको हम लोगों को यहाँ से कर लेना है राइट, ठीक है। राइट कर लेने के बाद देन क्या करना है इस फोटो को, और हमें कुछ भी नहीं करना है गाइस, अपना ड्रॉ टूल पे जाके फोटो को कर लेना है सेव। और देन इसको हम लोगों को फिर से लेके जाना है अपना लाइट रूम के अंदर, देन वहाँ हम लोग करेंगे इसका थोड़ा बहुत कलर रिटचिंग। सो गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है देन इसको हमने अपने लाइट रूम के अंदर ऐड कर लिया है। देन ओके गाइस ऐड कर लेने के बाद देन गाइस आप लोगों को यहाँ प्रीसेट भी दे दूंगा, इसका कलर भी कैसे रिटचिंग करना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो देन मैं आप लोगों को ये वाला प्रीसेट को यूज़ करके पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था प्रीसेट को यूज़ कैसे करना है। तो देन हम लोग उसको यहाँ 3 डॉट पे जाके कॉपी सेटिंग करके देन राइट कर लेंगे, देन आके बैक कर लेंगे जो अपना मॉडल है उसको करेंगे ओपन, फिर से जाएंगे 3 डॉट पे, देन यहाँ से कर लेंगे पेस्ट सेटिंग। आफ्टर ऑल आप लोग देख सकते हो जो हमारा पिक है कुछ इस टाइप से, उसके बाद एक क्लिक में एडिट हो चुका है। देन ओके गाइस, तो देन यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं अंडू, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग कलर कैसे रिटचिंग करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को यहाँ जाना है कलर पे, ठीक है। यहाँ आप लोगों को टेम्परेचर को कर लेना है -45% के आसपास। टिंट को रखना है गाइस आप लोगों को अपने हिसाब से, तो देन टिंट को रखेंगे -16। सेचुरेशन बढ़ाएंगे गाइस लगभग हम लोग अपना 17%। वाइब्रेंस बढ़ाएंगे गाइस हम लोग अपना 12%, देख सकते हो। उसके बाद हमारा जो पिक है कितना औसम तरीके से लगने लगा है। देन उसके बाद आ जाना है मिक्स टूल पे, जो अपना रेड कलर है उसका लुमिनेस को हम लोग बढ़ाएंगे, सेचुरेशन बढ़ाएंगे, जो अपना ये वाला कलर है उसका भी हम लोग लुमिनेस और सेचुरेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को देख सकते हो बैकग्राउंड के कलर से यहाँ से आप लोगों को इसी तरह से सेम कलर लेना है, जैसे कि हमारे ये वाला कलर है यहाँ देख सकते हो। कुछ इस टाइप से हम लोग कलर को चेंज करेंगे तो आफ्टर ऑल हमारा बैकग्राउंड का कलर भी कितना औसम सा चेंज हो रहा है। तो देन हम लोग इसको कुछ इस टाइप से रखेंगे, यहाँ सेचुरेशन को हम लोग रखेंगे लगभग 13%, यहाँ लुमिनेस थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भी यहाँ कलर देख के ही अपना जो लाइट रूम का कलर है उसको एडजस्ट करना है। तो अब ये जो हमारा फेस है वो देख सकते हो थोड़ा ब्लू टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपना यहाँ रेड कलर है उसका हुई को आप लोगों को यहाँ चेंज करना होगा। तो आप ट्रोल गाइस यहाँ देख सकते हो उसके बाद जो हमारा पिक है कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देन उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन, आ जाएंगे इफेक्ट टूल पे, देन यहाँ क्लैरिटी को हम लोग बढ़ाएंगे। क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद देन गाइस आप लोग देख ही सकते हैं जो हमारा पिक है कितना औसम तरीके से लग रहा है। देन यहाँ विग्निट को आप लोग थोड़ा सा माइनस करना है, ज़्यादा नहीं। देन उसके बाद आ जाना है लाइट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है आप लोगों को 8-7% के आसपास। यहाँ वाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है गाइस। यहाँ ब्लैक को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। आफ्टर ऑल गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा कॉन्सेप्ट बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा यार तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।